वी। अब ये टेबल मैंने बनाई है, आई यू दे, मैं आई यू वी भी लिख सकता था, थोड़ा रिदम का ध्यान करते हुए मैंने बनाई। ये हमारी क्रिएशन है, ये भास्कर स्कूल की क्रिएशन है। यहाँ नई नई चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, राइट। अगर हम किसी से पूछते हैं डब्ल्यू फैमिली के वर्ड बताइए, तो अक्सर लोगों को नहीं आते, हम आपको यहाँ याद कराएंगे डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स। तो वी के बाद ही, और ही के बाद शी। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई के साथ एम लगता है। मैं एम इज आर भी लिख सकता था, लेकिन हमने इज एम आर लिखा, और हर चीज को हमने रट्टा नहीं मारना। एक बार दो बार सुनोगे वैसे ही, जैसे आप सबने गीत सुनाया, कौन सा गीत सुनाया था जरा गा के सुनो, बड़ा मजा आया सुनने का। क्या सुनाया था? ऐसे बोलो दो लफ्जों में, दो लफ्जों राइट, मतलब लंबी प्रेम कहानी। तो आपको प्रेम, यहां आपने भी प्रेम कहानी क्रिएट करनी है, लेकिन प्रेम किससे करना है? भाषा से, लैंग्वेज से। पहले लैंग्वेज की ध्वनि बनो। तो हमने यहां पर ये आई यू देवी ही शी लिखा, आई हैव फर्स्ट पर्सन। अब बोलिए आई फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। बोलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन, बोलो यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो हम दे पे हाथ ऊपर ले जाएंगे, अपना राइट हैंड राइट की ओर ऊपर ले जाइए, दे। वी पे आपने हाथ ऐसे करना है, वी, बोलिए वी। वी के बाद ही पे क्या करोगे? क्योंकि सबकी लैंग्वेज एक जैसी हो और आपको एक्शन से ये चीजें याद हो जाएं, तो आप क्या करोगे? ही पुरुष के लिए आता है, और अधिकतर लोग राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर लोगों का राइट हैंड ताकतवर होता है। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर दिया, भाई ही स्त्री के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर होता है शारीरिक रूप से, है ना। वैसे तो आजकल बराबर है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली थोड़ा सा पुरुष को स्ट्रांग माना जाता है। और तो हम क्या करते हैं, सबकी भाषा एक करने के लिए, पुरुष के लिए आपने क्या करना है, ये अंगूठा राइट हैंड का राइट हैंड की ओर ले जाना है, बोलो ही। और लेफ्ट हैंड शी के लिए, शी थोड़ा वीक होता है, बोलो शी, राइट। तो बोलो आए यू दे, मैं ऐसे करके बोलता हूँ, आए यू दे पे हाथ ऊपर, दे वी, ऐसे करते हैं, वी ही शी ही शी ही शी, इस प्रकार से बोलना आपने। तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन बहुत सारे हैं, सिंगुलर कहते हैं एक को, प्लूरल कहते हैं बहुत सारों को। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई अकेला हो गया, वी हम सब हो गए, तो एक से ज्यादा हो गए, तो क्या आएगा? प्लूरल। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी थर्ड पर्सन, तो मैं लिख दूं, ये याद रहेगा, राइट। लिखने की जरूरत है बच्चों? राइट, चलिए, लिखने की जरूरत है तो बोलिए नो सर, 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 नो सर।